हाय फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, ये हमारा आज जो वीडियो है दैट इज योर टेस्ट नंबर 3। तो पहले दो टेस्ट हम लोग कर चुके हैं, तो जिसने वीडियोज ना देखी हो तो अराउंड मैंने 35 क्वेश्चंस दो टेस्ट में कवर अप किए थे। तो आपको जैसे पता होगा मैं क्वेश्चंस लाता हूँ, तो देर आर नो ऑप्शंस। वो इसलिए ही है कि हम लोग बिल्कुल आंसर दे पाएँ करेक्टली, रादर देन गैस हुआ कि मैं आपको चार ऑप्शन दूँ, आप लोग गैस हुआ करें ए बी सी डी। इससे अच्छा तो पूरे कंसेप्ट हम लोग के रिवाइज हों, ठीक है, और बिल्कुल कॉन्फिडेंटली एक्यूरेटली हम लोग आंसर करें, वो मेरा ऑब्जेक्टिव है। फ्रेंड्स, आप नोटबुक पेन दे दीजिए, मेरे साथ क्वेश्चन पढ़ना है मेरे साथ पढ़ लीजिए, वीडियो पॉज करके पढ़ना है वीडियो पॉज करके अपने आंसर्स लिख लीजिए। मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, कंसेप्ट डिस्कस करेंगे और देन मैं आपके आंसर्स बताऊंगा, ठीक है। सो ये आपका जो है, वैसे दिस इज योर टेस्ट नंबर 3 जो है, ये मैं लेके आया हूँ आज, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम लोग आज शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन है, क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू डिफरेंट रेशियोज। तो फ्रेंड्स, ये कुछ रेशियोज हैं, इनको आपको क्लासिफाई करना है कि सपोज जो आर ओ आई है, योर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इज दिस योर एक्टिविटी रेशियो, क्या ये प्रॉफिटेबिलिटी है, लिक्विडिटी रेशियो है या सॉल्वेंसी रेशियो है। तो फ्रेंड्स, ऐसे करके वो या तो ऐसे पूछ ले या उल्टा करके पूछ ले कि इनमें से, मतलब आपको चार रेशियो देकर बता पूछ ले कि भाई इसमें से बताओ कौन सी एक्टिविटी रेशियो है, ठीक है। या ऐसे जैसे मैंने पूछा हुआ है कोई रेशियो दे दे, तो उसमें आपको वो पूछ ले जैसे ये चार रेशियोज हैं कि बताओ इनमें से ये रेशियो क्या एक्टिविटी है, क्या प्रॉफिटेबिलिटी है, क्या लिक्विडिटी है, या उल्टा पूछ ले कि भाई इनमें से कौन सा एग्जांपल है एक्टिविटी रेशियो का। तो ऐसे करके क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो सबसे पहले आरओआई है जो है आपका, तो सबसे पहले आरओआई का फॉर्मूला आप सबको पता होगा, आरओआई इज योर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इसका फॉर्मूला होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस डिवाइडेड बाई योर कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी जो आपने डेट प्लस इक्विटी अगर कंपनी में लगाई है तो उस कैपिटल से कितना प्रॉफिट जनरेट हुआ। तो जब मैं प्रॉफिट की बात कर लेता हूँ तो आरओआई क्या हो गई, एक प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हो गई, ठीक है। तो पहले का क्या आंसर हो गया, तो आरओआई इज योर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। नेक्स्ट आ जाती है आपकी डेटर्स टर्नओवर रेशियो, ठीक है। तो जब टर्नओवर की बात होती है, जब डेटर्स टर्नओवर की, तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय योर एवरेज डेटर्स, ठीक है। तो जब टर्नओवर खुद ही रेशियो में है तो इसको हम क्या बोलते हैं, इन रेशियोज को एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियोज, ठीक है। तो सेकंड आंसर जो आपका हो गया वो डेटर टर्नओवर का आपका एक्टिविटी रेशियो हो गया। थर्ड आ जाता है आपका एसेट टेस्ट रेशियो, और ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, क्विक असेट रेशियो भी बोलते हैं इसको, और इसको बोला जाता है करंट असेट्स लेस इन्वेंटरी और लेस आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय योर करंट लाइबिलिटी। ये निकलती है हमारी एसेट टेस्ट या क्विक असेट रेशियो। इस रेशियो का मतलब ये होता है कि हमारे पास सफिशियंट असेट है टू पे ऑफ आर करंट लाइबिलिटीज। और भाई करंट लाइबिलिटीज क्या होती हैं, जो अगले 12 महीने में कंपनी की ड्यू है, ठीक है। तो करंट रेशियो हो गई, क्विक असेट रेशियो हो गई, कैश इंटरवल हो गया आपका, तो ये सारी हमें क्या बताती है, हमारी लिक्विडिटी पोजिशन। तो ये क्या होगी, हमारी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। लास्ट है आपकी डेट इक्विटी, ये सबसे सिंपल रेशियो, आप सबको फॉर्मूला पता होगा, नाम में ही है डेट इक्विटी रेशियो। तो डेट अपॉन इक्विटी या क्या लिखते हैं, शेयर होल्डर्स फंड, क्योंकि अब इसमें प्रॉफिट भी ऐड हो जाता है। अब ये बताता है कि हमारे पास सफिशियंट शेयर होल्डर्स फंड है टू पे ऑफ आर डेट, तो ये हमारी सॉल्वेंसी रेशियो होती है, ठीक है। तो ये ऐसे करके या तो मैच द फॉलोइंग, या आपको ऐसे पूछ ले कि भाई एक एग्जाम्पल दे के पूछ ले, या आपसे बोल दे कि भाई इसमें से बताओ ये रेशियो कौन सी रेशियो है, तो ऐसे करके क्वेश्चन आ सकता है आपके पास। फ्रेंड्स, जिसने स्क्रीनशॉट लेना है प्लीज़ वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं इसको यहाँ से मिटा रहा हूँ, फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड बोल रहा है, फ्रेंड्स गिव द फुल फॉर्म ऑफ एस एल आर एंड इन विच फॉर्म दे आर मेंटेन एंड विद हुम दे आर मेंटेन। तो फ्रेंड्स, जब आप लोग आरबीआई का चैप्टर पढ़ते हैं अपने फाइनेंस में, तो उसमें आता है कि कैसे आरबीआई डायरेक्टिव देता है टू कंट्रोल द लिक्विडिटी इन द मार्केट। तो सबसे पहले उसके पास क्या टूल होता है, आपके पास सी आर आर और एस एल आर के सबसे मेजर टूल्स होते हैं उसके पास। सी आर आर क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो, ये कैसे मेंटेन होता है,
ओनली इन कैश मेंटेन होता है विद द आरबीआई। ये किससे डील होता है? ये हमारी लिक्विडिटी से डील करता है। नेक्स्ट आ जाता है एसएलआर। इसकी फुल फॉर्म मैंने आपसे पूछी है, दैट इज योर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। मैंने पूछा किस फॉर्म में रखते हैं, तो तीन फॉर्म में रखा जाता है, कैश में, गोल्ड रिजर्व्स की फॉर्म में, और आरबीआई ने अप्रूव्ड सिक्योरिटीज आपको अगर बता रखी हो तो उसकी फॉर्म में। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आरबीआई अप्रूव करता है जिसकी फॉर्म में एसएलआर रख सकते हैं। अब नेक्स्ट इज एसएलआर जो मेंटेन करता है, बैंक मेंटेन करता है, और ये मेंटेन होता है एज अ परसेंटेज ऑफ योर नेट डिमांड एंड टर्म लाइबिलिटीज। अब जब मैं परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड एंड टर्म लाइबिलिटीज की बात करता हूँ, तो आप समझिए मैं एक लोन के ऊपर परसेंटेज निकाल रहा हूँ, तो इससे मेरी कंट्रोल होती है क्रेडिट ग्रोथ, यानी क्रेडिट क्रिएशन। आपने 11th 12th में पढ़ा होगा कि कैसे बैंक क्रेडिट क्रिएट करता है इन द मार्केट। तो हम क्रेडिट ग्रोथ कंट्रोल करते हैं एसएलआर से। लिक्विडिटी मेंटेन होती है आपकी सीआरआर के फॉर्म में, ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वैसे मैंने जो क्वेश्चन पूछा था वो मैंने पूछा था कि भाई स्टैचुरी लिक्विडेशन एसएलआर की आप फुल फॉर्म बताइए, तो वो होगी स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो। किन फॉर्म में रखा जाता है? कैश की फॉर्म में, गोल्ड की फॉर्म में, और आरबीआई अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो अप्रूव कर दे उनकी फॉर्म में। और इसको कौन मेंटेन करता है? तो बैंक अपने पास इसको मेंटेन करती है, ठीक है? तो ये मेरा प्रिलिमिनरी क्वेश्चन था, तो आपका ये आंसर हो गया। प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा था फ्रेंड्स, व्हाट इज द डैश इज द रिडक्शन इन द अंडरलाइंग फिस्कल डेफिसिट। यानी अगर फिस्कल डेफिसिट कम होता है तो उस पोजिशन को हम लोग क्या कहते हैं, और क्या तरीके हैं फिस्कल डेफिसिट को, हाउ डू रिड्यूस योर फिस्कल डेफिसिट। सो जब हम बोलते हैं डैश इज अ रिडक्शन इन द अंडरलाइंग फिस्कल डेफिसिट, उसको बोला जाता है फिस्कल कंसोलिडेशन, ठीक है? तो जब फिस्कल डेफिसिट को कम करा जाता है तो उसको बोलते हैं फिस्कल कंसोलिडेशन। अब क्या तरीके हैं? पहली बात तो आपको फिस्कल डेफिसिट समझ में आना चाहिए। फिस्कल डेफिसिट वो पोजिशन होती है कि जब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर आर मोर देन योर गवर्नमेंट के रेवेन्यूज। अब मेनली रेवेन्यूज क्या हो गए? आपके टैक्सेस, और एक्सपेंडिचर क्या हो गया? जैसे सब्सिडीज। इसी से मेरा नेक्स्ट आंसर है, अगर मैं अपने टैक्सेस को इंक्रीज कर देता हूं तो मेरा डेफिसिट कम होना शुरू हो जाएगा, या हमारे एक्सपेंसेस या सब्सिडीज को मैं कम करना शुरू कर देता हूं तो मेरी डेफिसिट पोजिशन अच्छी हो जाएगी। तो ये दो तरीके हैं, आइदर यू इंक्रीज योर टैक्सेस और यू रिड्यूस योर सब्सिडीज और योर एक्सपेंडिचर, ठीक है? तो फिस्कल कंसोलिडेशन जो रिड्यूस होता है फिस्कल डेफिसिट, उसको बोला जाता है फिस्कल कंसोलिडेशन। और जो दो तरीके हैं फिस्कल डेफिसिट को रिड्यूस करने के, दैट इज योर इंक्रीज इन टैक्सेस और योर रिडक्शन इन योर सब्सिडीज और योर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है फ्रेंड्स? अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, व्हाट इज द वेटेज और द वोट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द जीएसटी काउंसिल। फ्रेंड्स आपको पता होगा जीएसटी एक्ट के अंदर जीएसटी काउंसिल का गठन करा गया है, यानी जीएसटी काउंसिल फ्रेम करी गई है, तो उसमें कैसे मेंबर्स होते हैं एक बार डिस्कस कर लेता हूं। तो फ्रेंड्स जीएसटी काउंसिल है जिसमें चेयरपर्सन जो है हमारे, दैट इज फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है? तो ये अभी निर्मला सीतारमण हुई। देन आपके वाइस चेयरमैन होते हैं जो हमारी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, नेक्स्ट आपके जो स्टेट्स प्लस यूनियन टेरिटरीज, यानी 28 स्टेट्स प्लस 3 यूनियन टेरिटरीज के स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स मेंबर्स होते हैं, ठीक है? तो कुल मिला के 1 चेयरपर्सन, 1 वाइस चेयरपर्सन एंड 31 स्टेट मेंबर्स, तो कुल मिला के आपके टोटल 33 मेंबर्स होते हैं। फ्रेंड्स अब सपोज करिए मीटिंग हुई, उसमें एक रेजोल्यूशन बोला गया जिस पे वोटिंग होनी थी कि भैया हमें जीएसटी का रेट, सपोज करिए किसी
पैकेट फूड पे, पैकेट फूड समझ के जैसे चिप्स पे पाबंदी कीजिए, उस पर कम करने की बात आई। तब उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या वेट होता है जब वोट डलता है और स्टेट गवर्नमेंट का क्या वेटेज होती है, मैंने आपसे वो पूछी है। तो जब वोटिंग होती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो वोट होता है उसकी वेटेज होती है 33% और 1/3, और जो स्टेट का वोट डलता है दैट इज योर रिमेनिंग 2/3 और 67% उसकी वेटेज ये दी जाती है वोट को। ठीक है, तो मैंने आपसे वेटेज पूछी है तो वेटेज क्या हो जाएगी 1/3। तो आप इसको उतारना चाहें तो उतार दीजिए। तो जीएसटी काउंसिल की ये टोटल 33 मेंबर्स होते हैं, और जिसमें स्टेट का जो वेटेज होती है वोट की वो 1/3 होती है और स्टेट गवर्नमेंट की 2/3 या 67% होती है। ठीक है, तो अकेला ना, और टोटल मैं अगर गलत नहीं हो तो टोटल जो मेजोरिटी मतलब टोटल कुल मिला के 75% मेंबर्स को यस करना होता है किसी भी रेजोल्यूशन पे कि वो उस रेजोल्यूशन को पास करा दे। यानी अकेली सेंट्रल गवर्नमेंट भी और अकेली स्टेट गवर्नमेंट भी कोई रेजोल्यूशन को अगर वो चाहे कि जीएसटी कम कर दे तो वो अपने से पास नहीं कर सकती। यानी सेंटर और स्टेट दोनों को मिलके 75% की मेजोरिटी लानी पड़ेगी उस रेजोल्यूशन को पास करने के लिए। ठीक है, तो अभी जो मैंने पूछा वो आंसर हो गया आपका 1/3 या 33%। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको किसी को लिखना हो तो लिख लीजिए। तो मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ आपको, एक ये स्क्रीन है और एक ये स्क्रीन है। ठीक है, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है फ्रेंड्स आपको, तो मैंने जैसे आंसर बताया तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 33% और 1/3 वेटेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, डायरेक्ट मटेरियल दे रखी है मेरे को 13, लेबर 7 दे रखी है, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 3 दे रखा है, फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 4,80,000 है, यूनिट मैंने 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करे हैं और सोल्ड कितने करे हैं 9,000 यूनिट मैंने सोल्ड करे हैं, मेरे को निकालना है पर यूनिट कॉस्ट और नेट इनकम अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड अंडर वेरिएबल कॉस्टिंग। ठीक है, तो ये आपके कॉस्टिंग का न्यूमेरिकल है, जिससे मेरे को कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट निकालनी है, नेट इनकम निकालनी है। तो इसको समझते हैं इसे। एक इसमें चीज मिसिंग है जो डाटा मैं अभी देख पा रहा हूँ, तो जो सेल हुई है 9,000 यूनिट की, आप आ लीजिए 100 पर यूनिट पे आपने सेल करी है। ठीक है, तो अब इसको करना शुरू करते हैं। कॉस्टिंग में वन इज योर वेरिएबल कॉस्टिंग, नेक्स्ट कम्स योर एब्जॉर्प्शन। अब क्या डिफरेंस है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम लोग जो फिक्स्ड ओवरहेड्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं ऑन द यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। वो कैसे, मैं अभी बताता हूँ। तो जैसे मेरे को कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है, ठीक है, पहला सवाल मेरा आपसे यही था। तो पहले डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट आ गई, वो थी 13, के पैन होगा तो 13 है, लेबर 7 है, फिर वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 3 है। तो डायरेक्ट मटेरियल आपका 13, वो तो दोनों में सेम हो गया, देन डायरेक्ट लेबर आपका 7 है, वो तो दोनों में सेम हो गया, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड आपका 3 है, दोनों में सेम है, देन कम्स योर फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। तो जैसे मैंने बताया वेरिएबल में ये नहीं होता, लेकिन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम इसको एब्जॉर्ब करते हैं ऑन द यूनिट्स प्रोड्यूस। तो 4,80,000 विल बी एब्जॉर्ब ऑन द 10,000 यूनिट्स जो आपने प्रोड्यूस करे हैं। तो ये 48 इसकी यूनिट कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। तो टोटल अगर मैं कॉस्ट पर यूनिट निकालता हूँ तो वेरिएबल कॉस्टिंग में तो ये हो गई 23, और इसमें हो गई 23 प्लस 48, दैट कम्स आउट टू बी योर 71, है ना। तो ये 71, तो पहली बात आपको ये जाननी जरूरी है कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में आप फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड को अपनी यूनिट्स प्रोड्यूस में एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वेरिएबल में एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, तो इसलिए वो फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड आपकी यहाँ नहीं आती है। ठीक है, तो पहले ये स्क्रीन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब अब इसकी नेट इनकम निकालना हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो अब आइए नेट इनकम का सेकेंड मैंने आपसे पूछा है, नेट इनकम निकालना। ठीक है भाई, हम इसको नेट इनकम निकालते हैं। तो पहला आपका हुआ सेल्स, जो भी है 9,000 यूनिट्स की एट द रेट ऑफ 100, तो दोनों में 9 लाख की तो सेल्स हो गई। ठीक है, लेस करेंगे आप अपना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसमें कितना होगा 9,000 यूनिट्स इंटू 23। ठीक है ना, क्योंकि आपने कॉस्ट पर यूनिट 23 निकाली जो आपकी कॉस्ट निकाली है, तो
तो उसको मैं जब इंटू करता हूँ तो ये आ जाता है 2,07,000 का। ये जब माइनस करता हूँ तो आ गया 6,93,000। ये होता है मेरा कंट्रीब्यूशन मार्जिन। इसमें से लेस करता हूँ मैं फिक्स्ड कॉस्ट, तो जो है आपकी 4,80,000 की। तो इससे मेरी निकल के आ जाती है नेट इनकम या प्रॉफिट। तो ये कितना आ गया 2,13,000 का। तो वेरिएबल कॉस्टिंग में तो हमने नेट इनकम निकाली 2,13,000 की। अब आइए एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में निकालते हैं। तो ये हुई आपकी सेल्स 9 लाख की, लेस आपकी कॉस्ट जो है दैट इज 71 यूनिट्स, और ये किस पे है 9,000 यूनिट्स आपने सेल करे हैं। तो ये कितनी आ गई, ये आ जाती है 6,39,000। और आपका प्रॉफिट सीधा सीधा जिसमें आ गया वो हो गया 2,61,000 का। अब ये चीज आप पहले ये देखिए कॉस्ट शीट कि आपका वेरिएबल कॉस्टिंग में आ रहा है प्रॉफिट 2,13,000 का, और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में प्रॉफिट आ रहा है 2,61,000 का। अब कोई जिसने पढ़ा होगा उसको तो पता होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा, वाई देयर इज अ डिफरेंस इन द प्रॉफिट। ये डिफरेंस इसलिए है क्योंकि अगर आप यहाँ पे गौर से देखें, आपने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में 4,80,000 को 10,000 यूनिट में कॉस्ट पर यूनिट निकाल ली, लेकिन जब आप इसको कॉस्ट निकाल रहे थे तब आपने इसको सिर्फ 9,000 यूनिट्स पे एब्जॉर्ब कराई, यानी आपने जो कॉस्ट पर यूनिट है वो अब्जॉर्ब हुई 10,000 यूनिट्स पे, लेकिन जब वो अप्लाई हुई वो हुई सिर्फ अप्लाइड 9,000 यूनिट्स पे, यानी 1,000 यूनिट्स की जो फिक्स्ड कॉस्ट थी वो इसमें आई नहीं। तो डिफरेंस अगर आप देखेंगे तो वो वही आएगा। तो अगर मैं इसमें डिफरेंस निकालता हूँ तो डिफरेंस इज ऑफ 48,000। ये किस लिए है, ये इसलिए है क्योंकि हमने 1,000 यूनिट्स पे जो 48 की फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट थी इसको हमने एब्जॉर्ब ही नहीं किया, यानी अप्लाई ही नहीं किया अपनी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में। तो आप इसको वापस देख लीजिए, देखिए मैंने यहाँ पे 10,000 यूनिट्स पे इसको एब्जॉर्ब कराया था, लेकिन जब मैं लगाने लेके आया तो सिर्फ लगाया 9,000 यूनिट्स पे, इसलिए जो 1,000 यूनिट पे 48 रुपीज़ की जो डिफरेंस है वो दोनों में आपको अंतर दिख रहा है, जो वेरिएबल कॉस्टिंग है और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है। ठीक है, घबराइएगा नहीं, मैं और क्वेश्चंस ले आऊंगा। अगर किसी को डिफिकल्टी हो रही है अंडरस्टैंडिंग द वेरिएबल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का कंसेप्ट, मेरे को प्लीज कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके लिए और क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स ले आऊंगा फॉर प्रैक्टिस। तो अभी के लिए जो आंसर होगा वो होगा जो मेरी कॉस्ट पर यूनिट है, पहली बात वेरिएबल कॉस्टिंग में 23 आएगी, एब्जॉर्प्शन में 71 आएगी। पहला ये स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए वो पॉज करके वीडियो, नेक्स्ट स्क्रीनशॉट आप ये ले लीजिए, जो मेरी नेट इनकम है वो वेरिएबल में आएगी 2,13,000, और जो मेरी एब्जॉर्प्शन में आएगी प्रॉफिट जो आएगा वो आएगा 2,61,000 का। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ से इसको मिटा रहा हूँ, आपने होपफुली वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आइए, तो हमने फिफ्थ क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, एज पर कंपनीज एक्ट अ कंपनी कैन नॉट इशू डिबेंचर्स। तो आपको बताना है कि जो डिबेंचर्स हैं उसमें टेन्योर की क्या लिमिटेशंस होती है एज पर कंपनीज एक्ट, और वोटिंग राइट्स की, और व्हेन डू यू अपॉइंट अ डिबेंचर ट्रस्टी। तो आपको ये चीजें करनी है। अब आइए डिस्कस कर लेते हैं। तो एज पर डिबेंचर्स जो है आपकी कंपनी एक्ट के हिसाब से, पहली बात आपको सेक्शन पता होना जरूरी है कि डिबेंचर्स जो डील होते हैं वो होते हैं एज पर सेक्शन 71। उसमें बोला गया है कि जब डिबेंचर्स इशू होते हैं तो उन पे वोटिंग राइट नहीं दिया जाता है, कभी भी नहीं, एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन है कि आप डिबेंचर्स वोटिंग राइट्स के साथ इशू नहीं कर सकते। नेक्स्ट आ जाता है, तो वोटिंग राइट्स नहीं होंगे, तो ये क्रॉस करा हुआ है मैंने, तो यहाँ मैं ऐसे क्रॉस कर देता हूँ, तो आप वोटिंग राइट्स से इशू नहीं कर सकते। नेक्स्ट कम आउट आपका टेन्योर के बारे में, तो उन्हें बोला है जनरली जो टेन्योर होता है कैन नॉट एक्सीड 10 ईयर्स, यानी आप ज़्यादा से ज़्यादा जो डिबेंचर्स का टेन्योर रख सकते हैं वो 10 साल का रख सकते हैं, लेकिन कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज हैं, मतलब जो कंपनीज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनीज हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड चलाती हुई एनबीएफसीज हैं, और एक और अगर किसी कंपनी को सेंट्रल गवर्नमेंट ने
आरबीआई ने या नेशनल हाउसिंग बैंक एनएचबी जो आपका होता है उसने परमिशन दे दी है फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स टू इशू डिबेंचर्स बियॉन्ड 10 ईयर्स, तो वो लोग 10 साल से लेके 30 ईयर्स तक के डिबेंचर्स इशू कर सकते हैं, यानी उनका टेन्योर 10 साल से ऊपर हो सकता है लेकिन किसी भी हालत में 30 साल से ऊपर नहीं जा सकता। तो ये टेन्योर और वोटिंग राइट्स की बात हुई कि उस पर वोटिंग राइट्स नहीं होंगे। टेन्योर जनरली 10 ईयर्स का है लेकिन कंपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व है उनको बोला गया है कि 10 साल से आप ऊपर डिबेंचर्स इशू कर सकते हैं लेकिन वो किसी भी कॉस्ट पे 30 ईयर्स से ऊपर नहीं जा सकता। लास्टली मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है डिबेंचर ट्रस्टी के बारे में, अब बोला गया है बिफोर इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस ऑफर फॉर सेल, या अगर आपने डिबेंचर्स मेंबर्स को इशू करे हैं और वो मेंबर्स की जो नंबर्स है दैट इज मोर देन 500, तो आपको कंपल्सरीली एक डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना होगा, कंपल्सरी अपॉइंट डिबेंचर ट्रस्टी। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन था कि कब डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट होगा, तो ही वुड बी अपॉइंटेड बिफोर योर इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस और ऑफर फॉर सेल। ठीक है, तो ये मैंने क्वेश्चन पूछा था। तो हम जब वापस डिस्कस कर लेते हैं, तो जब डिबेंचर्स इशू होते हैं तो दे आर नॉट इशूड विद एनी वोटिंग राइट्स, टेन्योर 10 साल का हो सकता है और मैक्सिमम इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज के लिए 30 साल का। फिर डिबेंचर ट्रस्टी जो अपॉइंट होता है ही इज अपॉइंटेड बिफोर द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस और ऑफर फॉर सेल। ठीक है, तो ये बात थी डिबेंचर्स की। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम आगे बढ़ते हैं, आइए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका 7th क्वेश्चन, नेशनल इनकम के फॉर्मूले के ऊपर कि आप कैसे कन्वर्ट करेंगे ग्रॉस को नेट में, फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में, डोमेस्टिक टू नेशनल में। अब आप बोलेंगे ये कैसा क्वेश्चन है, तो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो फ्रेंड्स ऐसा हो सकता है कि नेशनल इनकम पे आपके पास छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आ जाएं। कैसे न्यूमेरिकल्स? सपोज आपको बोल दिया कि जीडीपी से आप एनडीपी निकालिए, ठीक है, तो इसमें क्या चेंज आया, आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से निकालिए आप नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो कैसे करेंगे? सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यही था कि हाउ वुड यू गो फ्रॉम योर ग्रॉस टू योर नेट, इसको करने के लिए क्या कन्वर्जन करेंगे, आप करेंगे डेप्रिसिएशन माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपके पास, अगर मैं बोल दूं जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट और कन्वर्ट करिए जीडीपी टू मार्केट प्राइस, तब कैसे करेंगे? तो इसमें जो आ रहा है दैट इज योर फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे आप लोग कैसे जाएंगे, तो आप कैसे जाएंगे, इसमें ऐड अप क्या करेंगे आप लोग, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस NIT दैट इज योर टैक्सेस माइनस सब्सिडी। ठीक है, तो आप फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाने के लिए ऐड करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। लास्टली जो मैंने पूछा है, मैंने ये पूछा है कि सपोज आपको बोल दिया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से निकालिए ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यानी यहाँ पे ये डोमेस्टिक है और आपको जाना है नेशनल पे, तो आप कैसे करेंगे? तो इसके लिए आप लोग ऐड करेंगे NFIA, एंड वॉट इज द फुल फॉर्म ऑफ NFIA, दैट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, तो ये आपकी फॉर्मूला होता है। तो मैंने आपसे ये तीन चीजें पूछी हैं, ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने आपसे यही पूछा था कि आप ग्रॉस से नेट पे कैसे जाएंगे डिप्रिसिएशन हटा के, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे कैसे जाएंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड करके, लास्टली डोमेस्टिक से नेशनल पे कैसे जाएंगे, आप जाएंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड ऐड करके। तो ये आपकी तीन चीज़ें जो होती हैं। तो फ्रेंड्स मैं वैसे भी जो नेशनल इनकम है उस पर पूरे न्यूमेरिकल्स लाने की वीडियो तैयार कर रहा हूँ, तो वो बहुत जल्द आपके पास आ जाएगी जिसमें हम लोग सारे न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर लेंगे। तो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो या वैसे एग्जाम्स हो आप अगर दे रहे हो जिसमें इकोनॉमिक्स वैसे भी मतलब ज़्यादा मार्क्स की आ रही है और उसमें नेशनल इनकम है, तो आपकी बहुत उसमें आपको प्रैक्टिस करने को मिल जाएगा, तो उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगर छोटे क्वेश्चंस या बड़े क्वेश्चंस अगर पूछ लेता है नेशनल इनकम निकालने के लिए उस पे बेस्ड, तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो अभी हमने तीन चीज़ें करी थी, होपफुली आपने स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे।
तो ये पहला है और ये लास्ट वाला है। प्लीज़ वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट पॉइंट्स, तो 8 क्वेश्चन पे हूँ मैं। व्हाट आर द डिफरेंट पॉइंट्स इन अ बिजनेस साइकिल। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपका चैप्टर है बिजनेस साइकिल का, उसमें डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पूछे हैं। सबसे पहला पॉइंट होता है एक्सपेंशन का, उसमें क्या बोलते हैं कि जीडीपी जो रियल जीडीपी होती है दैट स्टार्ट टू राइज, मेरी इन्वेस्टमेंट हो गई, मेरे एक्सपेंडिचर हो गए वो भी बढ़ने लग जाती है और मेरी इन्फ्लेशन भी बढ़ने लग जाती है। तो मैं ब्रीफ में बता रहा हूँ, ठीक है ना, आपको कि आपको पता होंगे रिवीजन के टाइम, नहीं पता होंगे तो इस पे वीडियो लेके आऊँगा तो हम लोग पूरा चैप्टर समझेंगे। देन जब एक्सपेंशन होने लग जाती है फिर एक पीक पे जाके मेरी जीडीपी स्टॉप्स राइजिंग एंड स्टार्ट्स फॉलिंग, ठीक है, और मेरा इस समय होता है इन्फ्लेशन इज वेरी हाई। ठीक, जब पीक पे पहुंच जाते हैं फिर नीचे जब जीडीपी गिरने लग जाती है उसको बोलते हैं हम लोग कॉन्ट्रैक्शन, व्हेन योर जीडीपी स्टार्ट्स फॉलिंग मेरी इन्वेस्टमेंट या एक्सपेंडिचर भी गिरने लग जाता है और मेरी जब कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है तो लास्ट पॉइंट आ जाता है आपका ट्रफ का। ठीक है, तो जो ट्रफ होती है इसमें अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लग जाता है, ठीक है, और इसमें जो अगर मैं आपको डायग्राम से बताऊं तो देखिए एक बार मैं आपको डायग्राम से भी यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि कैसे पॉइंट्स होते हैं। तो फ्रेंड्स ये आपको बिजनेस साइकिल के चैप्टर में जो चीज़ें हैं ये ही होती हैं। इसमें मैं आपको एक बार डायग्राम से और समझा देता हूँ तो क्या होता है, देखिए तो यहाँ आपका हो गया टाइम और यहाँ पे प्लॉट होती है आपकी रियल जीडीपी। तो आपने ऐसा कुछ देखा होगा, ये बिजनेस साइकिल का जनरली ग्राफ दिया होता है। तो जो मैं आपको पहले पढ़ा रहा था यहाँ से तो मेरी हुई एक्सपेंशन इकोनॉमी की, यहाँ पे आ गई पीक, ये मेरी गिरने लग जाती है तो उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन, इसके आगे भी होगा, ठीक है, तो यहाँ आ जाती है मेरी कॉन्ट्रैक्शन और ये पॉइंट जो आ जाता है ये आ जाता है ट्रफ का। तो ये मैंने आपसे पॉइंट्स पूछे थे, पहला एक्सपेंशन का, देन योर पीक, देन इज योर कॉन्ट्रैक्शन, देन लास्ट इज योर ट्रफ, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लग जाती है और यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ से रिकवरी होनी स्टार्ट होगी तो जीडीपी स्टॉप्स फॉलिंग एंड इट स्टार्ट्स राइजिंग। और एक चीज और, आपकी यहाँ पे इन्फ्लेशन जो होगी क्योंकि इतना काम नहीं हो रहा सो योर इन्फ्लेशन इज मॉडरेट और लो कह सकते हैं आप लोग। तो योर इन्फ्लेशन इज मॉडरेट और लो, ठीक है, तो ये होते हैं चार पॉइंट्स जहाँ पे गिनना शुरू हो जाता है, ठीक है जी। तो आपकी एक्सपेंशन हुई, देन इज योर पीक, देन इज योर कॉन्ट्रैक्शन, देन इज योर ट्रफ। तो मैंने आपसे चार पॉइंट पूछे थे जहाँ पे ये काम होता है, ठीक है जी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तो ये मेरे चार पॉइंट्स थे, होपफुली आपने स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो मैं एक बार वापस दिखा देता हूँ जिसने नहीं लिए, तो ये तो आपकी चीज़ें मैंने समझाई थी, एक्सपेंशन पीक कॉन्ट्रैक्शन एंड ट्रफ, प्लीज वीडियो पॉज करके ले लीजिएगा। एंड देन इज योर ये वाला चार्ट जिसमें मैंने आपको बताया कैसे एक्सपेंशन होती है बिजनेस साइकिल की। तो यार बिजनेस साइकिल की ये रही एक्सपेंशन, देन इज योर पीक, देन कॉन्ट्रैक्शन और आपकी देन ट्रफ। तो ट्रफ यहाँ पे थी, मैंने एक्चुअली जगह नहीं थी तो यहाँ लिख दिया, ठीक है, तो ये मेरी ट्रफ का पॉइंट यहाँ है, तो ये आप ले लीजिएगा, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो ये हमारा 8 क्वेश्चन हो गया बिजनेस साइकिल का, क्या पॉइंट्स होते हैं। 9 क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिन कार्ड एंड स्टोर स्लेजर। तो ये देखते हैं,
ये आपको मटेरियल कॉस्टिंग का क्वेश्चन है। तो मटेरियल कॉस्टिंग में जिन्होंने फिजिकल कंट्रोल्स पढ़े होंगे उनको पता होगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ बिन कार्ड एंड स्टोर लेजर्स। तो बिन कार्ड में सिर्फ क्वांटिटी हम लोग लिखते हैं और ये स्टोर कीपर मेंटेन करता है, स्टोर लेजर जो है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग मेंटेन करता है। देखिए बिन कार्ड और स्टोर लेजर में, तो जो स्टोर लेजर में है आपके पास कितना मटेरियल आया और कहाँ इशू हुआ, तो रिसिप्ट इशू एंड बैलेंस। वेयर एज स्टोर लेजर में आप देख पा रहे हैं इसकी वैल्यू भी हम लोग मेंटेन करते हैं कि कितनी आया सामान, कितना इशू हुआ और कितना बैलेंस हुआ। तो इधर तो सिर्फ क्वांटिटी की बात आ जाती है, इधर क्वांटिटी प्लस वैल्यू की बात आ जाती है। इसको जो मेंटेन करता है वो स्टोर कीपर मेंटेन करता है और जो इसको मेंटेन करता है वो कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट मेंटेन करती है। ठीक है, तो मेन डिफरेंस आपका इस चीज के ऊपर है कि यहाँ पे सिर्फ क्वांटिटी आती है और यहाँ पे क्वांटिटी प्लस वैल्यू होती है। उधर स्टोर कीपर मेंटेन करता है, कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट स्टोर लेजर मेंटेन करती है। एक चीज और ध्यान रखने वाली बात है कि ये एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन अपडेट हो जाता है। यानी क्या, अगर स्टोर से मैं सामान उठाता हूँ तो उसी टाइम अपडेट कर दिया जाता है, जबकि स्टोर लेजर में समरी फॉर्म में, यानी आप समझ लीजिए अगर पूरे दिन की ट्रांजैक्शंस एक समरी फॉर्म में इस पर कैप्चर कर ली जाती हैं, तो ये भी एक डिफरेंस का पॉइंट होता है। लेकिन जो मैं पूछ रहा था दैट वॉज कि सिर्फ बिन कार्ड में क्वान्टिटी मेंटेन होती है एंड स्टोर्स लेजर में क्वांटिटी प्लस वैल्यू। जैसे आप देख पा रहे हैं दिस इज योर क्वांटिटी रेट एंड अमाउंट, इधर से आप देखेंगे तो सिर्फ क्वांटिटी की बात कर रहा है, यहाँ पे मैं कोई भी वैल्यू लेके नहीं आया। बिन कार्ड और स्टोर्स लेजर में ये डिफरेंस होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज लिस्ट ऑफ द प्रोविजन ऑफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स एज पर कंपनीज एक्ट। तो फ्रेंड्स ये लॉ का क्वेश्चन है कि एक बंदा कितनी कंपनीज में डायरेक्टर हो सकता है। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि मैक्सिमम कंपनी में जो डायरेक्टर हो सकता है वो है 20 कंपनीज में। इसमें से हम लोग क्या एक्सक्लूड करते हैं, कौन सी कंपनीज, तो हम लोग सेक्शन 8 कंपनीज और गवर्नमेंट कंपनीज इन 20 कंपनी में काउंट नहीं करते हैं। लेकिन इन 20 कंपनीज में मैक्सिमम कितनी पब्लिक कंपनीज में वो डायरेक्टर हो सकता है, दैट इज 10 पब्लिक कंपनीज में, यानी 10 से ऊपर वो पब्लिक कंपनीज में डायरेक्टर नहीं हो सकता। अब इस डायरेक्टरशिप में आपको जैसे पता होगा ये इंक्लूड करती है अल्टरनेट डायरेक्टर भी। ठीक है, तो अल्टरनेट डायरेक्टरशिप हमने डायरेक्टर्स के चैप्टर में पढ़ा है कि एडिशन डायरेक्टर होता है आपका, अल्टरनेट डायरेक्टर होता है, नॉमिनी डायरेक्टर होता है। ऑल्टरनेट डायरेक्टर जब होता है जब आपका जो ओरिजिनल डायरेक्टर है ही गोज आउट ऑफ इंडिया, तो उसके केस में हम लोग ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट कर देते हैं। तो बोला गया है डायरेक्टर में जब आप काउंट करेंगे तो ऑल्टरनेट डायरेक्टरशिप भी काउंट होगी, वो मैक्सिमम 20 कंपनी में डायरेक्टर हो सकता है। उन 20 कंपनीज में से आप सेक्शन 8 कंपनीज और डोरमेंट कंपनीज को नहीं काउंट करेंगे और मैक्सिमम इन 20 कंपनीज में से उसे 10 पब्लिक कंपनीज में डायरेक्टर हो सकता है। तो ये था पूरा प्रोविजन कि वो कितने नंबर ऑफ डायरेक्टर्स बन सकता है। प्लस एक प्रोविजन और है, कंपनी चाहे तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके लिमिट कर सकती है कि 20 से नीचे, तो ई कैन बी डायरेक्टर इन लेस देन 20 कंपनी। तो सपोज करिए कंपनी ने रेजोल्यूशन पास कर दिया कि जो हमारे डायरेक्टर्स हैं वो और 15 कंपनीज में ही डायरेक्टर हो सकते हैं, तो ऐसा पॉसिबल है? यस पॉसिबल है, लेकिन कंपनी को उसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा। तो ये था पूरा आपका डायरेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम बढ़ते हैं आगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, एबीसी लिमिटेड परचेज्ड रॉ मटेरियल्स वर्थ ₹2 लाख ड्यूरिंग FY19। ठीक है जी, इट हैड ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स ऑफ 24,000 एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर। ठीक है, उसने क्लोज किया ईयर विद अ स्टॉक ऑफ 16,000 ऑफ रॉ मटेरियल्स। हाउ मच रॉ मटेरियल्स डिड एबीसी लिमिटेड कंज्यूम इन FY19। तो आपको कंजम्पशन निकालनी है रॉ मटेरियल्स की, तो कैसे निकालते हैं, तो व्हाट यू डू इज आपके पास कितना सामान था ओपनिंग में। पहली बात तो है आपको पता हो ओपनिंग रॉ मटेरियल, तो आपको ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना रहेगा फ्रेंड्स, 24,000 रुपीज। ये आपके इन हैंड थे, आपने और परचेजेस कर ली, आपके हाथ में 2 लाख का और मटेरियल आ गया। तो अभी मैं अगर आपसे पूछता हूँ तो 2,24,000 रुपये का मटेरियल आपके हाथ में है, जब आप
एंड ऑफ द ईयर मार्च में अपने स्टोर में गए तो वहां पे आप गिनती करते हैं, तो एंडिंग रॉ मटेरियल वो रह जाता है आपके हाथ में, वो रह जाता है 16,000 रुपीज का। तो मतलब आपने कंजम्पशन कितनी कर ली होगी, जब आपके पास सिर्फ 16,000 का माल पड़ा हुआ है अपने गोदाम में, तो आपने जो कंजम्पशन करी होगी वो करी होगी 2,08,000 की। सिंपल क्वेश्चन है बहुत, है ना, इसमें समझाने की मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है, बस फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग गिव्स योर कंजम्पशन। तो देखिए हमने यही करा, ठीक है, तो आसान सा क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अकाउंट से है, बेसिक अकाउंट से है, आसान है ये भी। व्हाट इज द करेक्ट प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, यानी पहले आप क्या बनाते हैं, पहले लेजर बनाते हैं, पहले जर्नल एंट्री करते हैं, पहले ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। तो मैंने उस तरीके से प्रोसेस पूछा है, जैसे आप सबको पता होगा सबसे पहले आपका जो बिल या वाउचर्स आते हैं उससे आप करते हैं जनरल एंट्रीज, ठीक है। और ये कैसे होती है, ये होती है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। अब जिनको नहीं पता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है, यानी डेट वाइज करी जाती है, ऐसा नहीं होगा कि आप 16 जनवरी की पहले एंट्री कर दें और बाद में 11 जनवरी की एंट्री कर दें, यानी आप डेट वाइज, मतलब पहले 11 की एंट्री होगी, 12 की एंट्री होगी, 13 की एंट्री होगी, ऐसे डेट वाइज एंट्री करेंगे इन असेंडिंग ऑर्डर, तो उसको बोला जाता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो जैसे जैसे आपकी ट्रांजैक्शन हो रही है वैसे वैसे एंट्री करी जाती है। इन जनरल एंट्री से बनते हैं आपके लेजर अकाउंट्स, यानी जब पोस्टिंग होती है इन द लेजर अकाउंट्स वो जनरल एंट्री से करी जाती है। जब लेजर बन जाते हैं उससे बनाते हैं हम लोग ट्रायल बैलेंस, चेक करने के लिए कि आपकी जो डेबिट और क्रेडिट साइड है वो आपस में मैच कर रही है कि नहीं कर रही, जो क्लोजिंग बैलेंसेस है। देन आफ्टर दैट आपकी प्रिपेयर होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो क्या होती है, बैलेंस शीट प्रिपेयर होती है, पीएनएल प्रिपेयर करा जाता है और कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करे जाते हैं, सीएफएस यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसके बाद इनकी होती है एनालिसिस। एनालिसिस कौन करता है, आपके इंटरनली एनालिसिस होती है, तो हु इंटरनली मैनेजमेंट करता है अपने फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन के लिए, या एम्प्लॉयज करते हैं देखने के लिए कंपनी ने ओवरऑल कितना परफॉर्म करा है। नेक्स्ट आपके एक्सटर्नली, कौन कौन हो गए एक्सटर्नली, तो आपके क्रेडिटर्स हो गए, गवर्नमेंट हो गई, ठीक है, उनको पॉलिसी मेकिंग करनी होती है तो उनको भी एनालिसिस करना होता है कि इंडस्ट्री कैसा परफॉर्म कर रही है, ठीक है, आपके इन्वेस्टर्स हो गए जो आपकी कंपनी में पैसा लगाते हैं, और बहुत सारे लोग होते हैं जो एक्सटर्नली एनालाइज करते हैं आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जो प्रोसेस है दैट इज, पहले आप जनरल एंट्रीज बनाते हैं, उसके बाद वो जनरल एंट्रीज लेजर में पोस्ट होती हैं, उसके बाद आपका ट्रायल बैलेंस बनता है, उससे बनती है आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फिर उसके बाद होता है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो ये है करेक्ट प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। तो प्लीज आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, मैं यहाँ से इसको मिटा रहा हूँ और फिर हम लोग चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डेरिवेटिव्स के ऊपर, बोलता है द इंटरेस्ट रेट स्वैप्स इन्वॉल्व काउंटर पार्टीज हु वांट टू। अब आपको ये बताना है मुझको, पहली बात आईआरएस का कंसेप्ट डिस्कस कर लेते। सपोज ये आप थे, आप जाके एसबीआई से होम लोन लेके आए। अब जब आपको कॉन्ट्रैक्ट हुआ एसबीआई से होम लोन के लिए, उसने आपको पैसा दिया होगा, लोन दिया होगा, ठीक है, और आप एसबीआई को सपोज करिए 15% पर एनम के रेट पे आप लोग होम लोन लेके आ गए एसबीआई से। नाउ व्हाट हैपेंड बॉस, आप सुन रहे थे टीवी पे कि आरबीआई का प्लान आया है, वो जा रही है होम लोन कम करने का। आपने अपने माथा पकड़ लिया, आप बोल रहे यार मैं तो अभी एसबीआई से लोन लेके आया हूँ 15% का। अब कोई तरीका है कि मेरे को जो आरबीआई फ्यूचर में रेट कम करेगी वो मैं पे करूं, है ना, तो ऐसा हो सकता है। तो ऐसा होता है, या तो आप इस लोन को थोड़े दिन बाद टेक ओवर कराएंगे लेकिन उसमें आ जाती है प्री पेमेंट पेनल्टी। लेकिन डेरिवेटिव्स या इंटरेस्ट रेट स्वैप्स ही ओवर द काउंटर हो सकते हैं। सपोज अगर आप पढ़े होंगे तो मैं आपको बता देता हूँ, जनरली जो इंडिया में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, कोटक महिंद्रा बैंक, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है, ये लोग स्वैप्स एंटर करते हैं। अब उसमें होता क्या है मैं आपको समझा दूँ। तो आप गए कोटक महिंद्रा के पास, ठीक है, कोटक महिंद्रा को आपने सारी बात बताई कि मैंने एसबीआई से लोन ले रखा है, मुझे लग रहा है आने वाले टाइम में ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है मार्केट में गिर जाएगा, तो मैं
वो गिरा हुआ रेट ऑफ इंटरेस्ट सपोज करिए बाद में आरबीआई ने इस पे 1% की मतलब कम कमी कर दी 15% में, तो अब आपका जो न्यू मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो होगा 14%, तो अब क्यों 15% पे करेंगे? तो आप इनसे स्वैप एंटर कर जाते हैं। उस स्वैप में होता क्या है कि आप इधर तो ठीक है, इधर जो हो रहा है ठीक है, इसमें आप बोलते हैं कि मैं पे करूंगा फिक्स मतलब फ्लोटिंग आपको, और आप मुझे फिक्स पे कर दीजिए। फ्लोटिंग यानी जो मार्केट में अगले 6 महीने में या 3 महीने में, अभी मैं समझाऊंगा फ्लोटिंग का क्या हिसाब है, अगर चेंज होता है तो आपको फायदा क्या हो जाएगा? आप फ्लोटिंग पे करेंगे कोटक महिंद्रा को, कोटक महिंद्रा आपको फिक्स 15% पे करेगा और ये 15% आप एसबीआई को दे देंगे। तो अगर ओवरऑल ट्रांजैक्शन में देखेंगे तो आपको 1% बच गया, ठीक है? इसको बोलते हैं इंटरेस्ट स्वैप करना, तो इसलिए बोला जाता है इंटरेस्ट रेट स्वैप। तो ये मैंने बिल्कुल आपको आसान भाषा में समझाया व्हाट इज इंटरेस्ट रेट स्वैप। जनरली होता कुछ नहीं है, जनरली पीरियड के बाद सिर्फ आप यहाँ पे डिफरेंस कोटक महिंद्रा से ले लेंगे, यानी सिर्फ 1% की ट्रांजैक्शन होगी, ये पूरा 14-15% का कुछ नहीं होगा। आप इधर देंगे ही 15%, लेकिन जब कोटक महिंद्रा आपको क्रेडिट कर देगा 1% का जो आपका अमाउंट आएगा, ठीक है? तो ऐसे इंटरेस्ट रेट स्वैप एंटर करते हैं। अब व्हाट इज फ्लोटिंग? जनरली बुक्स में दे रखा होता है कि फ्लोटिंग जो रेट होता है दैट इज डिपेंडेंट ऑन अ बेंचमार्क, तो वो देंगे आपको लाइव और ऐसे देते ना, लंडन इंटरबैंक ऑफर रेट होता है 1%। अब होता क्या है ये लाइव और, जनरली मैं आपको लाइव और से नहीं बोलते, मैं आपको एक और बोलता हूँ। एक होता है आपका मुंबई इंटरबैंक ऑफर रेट, आप जाएंगे फिबल की साइट पे या गूगल पे टाइप करेंगे, आज आप देखेंगे ये 3 महीने का, 6 महीने का, 9 महीने का दे रखा होता है रेट, और ओवरनाइट भी होता है। ये एक्चुअली इंटरबैंक मार्केट में यानी जब बैंक एक दूसरे से बोरो करती है ना, ये वो रेट्स होते हैं। तो जनरली बेंचमार्क पे ये फ्लोटिंग रेट्स डिसाइड होते हैं। अब जनरली अगर किसी का कॉन्ट्रैक्ट हो, किसी ने कर रखा हो, तो वो आपको जनरली कॉन्ट्रैक्ट दिखा के, अगर आपके किसी फैमिली फ्रेंड ने ये इंटरेस्ट रेट स्वैप एंटर करा हो, नहीं तो आप गूगल पे जाके भी देखेंगे तो आपको इस पे कॉन्ट्रैक्ट्स मिल जाएंगे, तो वो आपको एग्जैक्टली पता लग जाएगा कि किस बेंचमार्क पे उन्होंने फ्लोटिंग डिसाइड कर रखा है। इस केस में जैसे मैंने आपको समझाया, आपने अपना फिक्स रेट फ्लोटिंग से चेंज कर दिया, ठीक है? तो जनरली इंटरेस्ट रेट स्वैप जो होता है दैट इज चेंज फ्रॉम योर फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट टू योर फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट। तो यही मेरा क्वेश्चन था कि आपका जो होता है दिस इज योर इंटरेस्ट रेट स्वैप इन्वॉल्व्स काउंटर पार्टीज हु वॉन्ट टू एक्सचेंज देयर फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट टू फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट। तो वापस मैं समझा देता हूँ, आपने आज एसबीआई से एक होम लोन लिया जिसपे आपने फिक्स कर लिया, यानी कॉन्ट्रैक्ट आप लोग कराए कि 15% पे आप लोग इस पे लोन लेके आ रहे। आपने फिर टीवी में देखा आरबीआई होम लोन के रेट्स कम करने जा रही है, आप फिर कोटक महिंद्रा बैंक को अप्रोच करते हैं और समझाते हैं कि मैं एसबीआई से लोन लेके आया हूँ, तो क्या स्वैप एंटर करना पॉसिबल है जिसमें मैं आपको फ्लोटिंग रेट दूं जो मार्केट में उस टाइम 14% का होगा, सपोज कर लीजिए यहाँ 14 है, और आप मुझे फिक्स पे कर दें, ठीक है? तो ये एक तरह से गेम की तरह हो गया, मतलब अगर बाद में जाके आरबीआई ने होम लोन की रेट इंक्रीज कर दिया तो अब आपको कोटक महिंद्रा को 1% देना पड़ जाएगा। तो दिस इज डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल्स की रिस्क टेकिंग कैपेसिटी प्लस उसका नजरिया कि आगे जाके होम लोन के रेट गिरेंगे या बढ़ेंगे। अगर तो उसको लगता है कम होंगे तो सपोज करिए 6 to 7 months उसको फायदा हो जाता है, लेकिन बाद में जाके इकोनॉमी में ऐसा आ गया कि वो 16% रेट हो जाता है, देन उसको फिर कोटक महिंद्रा को 1% पे करना होगा, ठीक है? तो आदमी की इंडिविजुअल की रिस्क टेकिंग कैपेसिटी प्लस उसके आउटलुक पर डिपेंड करता है कि वो इस स्वैप में एंटर करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है? तो इस केस में आप कोटक महिंद्रा से कहते हैं कि आप मुझे फिक्स दे दीजिए और मैं आपको फ्लोटिंग दे जाऊंगा। अब आप बोलेंगे ये ऐसा कोटक क्यों करेगा? कोटक इसके लिए लेगा फीस, वो ऐसे एंटर नहीं कर दिया जाता है, कमीशन पे किया जाता है ये पूरे स्वैप को एंटर करने, ठीक है? तो अभी उसको साइड रखते हुए मैंने आपको बस सिंपली समझाया हुआ है, आपने अपनी फिक्स्ड ऑब्लिगेशन को फ्लोटिंग में बदल लिया, यानी अब कोटक को आप 14% देंगे, कोटक आपको 15% दे देगा,
ठीक है, और वो 15% जाके आप SBI को दे देंगे। लेकिन इतना लंबा प्रोसेस होता नहीं है, आप SBI को तो 15% ही पे करेंगे नॉर्मली। आपके पास जब कोटक महिंद्रा सेटल करेगा आपका अकाउंट, सपोज करिए 6 मंथ बाद वो सेटल करता है, आपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कोटक महिंद्रा से कि हम लोग 6 मंथली इसको सेटल करेंगे, कोटक महिंद्रा आपको 1% का जो पैसा है, जो 14 आपने पे किया कोटक महिंद्रा को और कोटक ने आपको 15 पे किया, जो 1% का डिफरेंस है जो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, तो आपको ओवरऑल जो लोन पड़ा वो 14% का ही पड़ा, लेकिन उसके लिए आपको एक कमीशन देना पड़ा। तो दिस इज योर इंटरेस्ट रेट स्वैप वेयर यू एक्सचेंज योर फिक्स्ड ऑब्लिगेशन टू योर फ्लोटिंग ऑब्लिगेशन। आज मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की साइट पे जाइए, तो यूनियन बैंक ने अपना इंटरेस्ट रेट स्वैप का प्रोडक्ट निकाला हुआ है, उसको आप पढ़ना चाहें वहां से पढ़ लीजिए। कोटक महिंद्रा ने अपने इंटरेस्ट रेट स्वैप के प्रोडक्ट्स निकाले हैं, वहां से पढ़ना चाहें आप वहां से पढ़ लीजिए। तो ये होता है ऑल अबाउट इंटरेस्ट रेट स्वैप। किसी को नहीं समझ में आता प्लीज मेरे को लिख दीजिएगा, मैं डेरिवेटिव्स का चैप्टर आपको और चीज़ों से समझा दूंगा। आपको चाहे फ्यूचर्स पढ़ना हो, ऑप्शंस पढ़ने हो, या बाकी OTC प्रोडक्ट्स पढ़ने हो, तो मेरे को प्लीज़ बता दीजिएगा। तो ये था आपका इंटरेस्ट रेट स्वैप का, होपफुली आपको ये समझ में आ गया। हम बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 14 इज द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। तो ये क्या होता है, CII होती है, ठीक है ना, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। लॉन्च एंड इंडेक्स इन 2019 टू असेस द स्टेट एंड कैपिटल सेंट्रल बजट्स। तो इस इंडेक्स का नाम बताइए। अब आप बोलेंगे ये मैंने जो आपके क्या बोलते हैं उसको करंट अफेयर्स है वो क्यों दे दी। ये एक्चुअली करंट अफेयर्स नहीं है, ये जो आपका फाइनेंस का जो सिलेबस है उसमें दिया हुआ है ना, जो आपके न्यू इंट्रोडक्शन इन फाइनेंस है, या आपकी जो फाइनेंस में अभी क्या चीज़ें लॉन्च हुई हैं या उनके करंट अफेयर्स, तो उससे रिलेवेंस है। जो CII है, देखिए मैं आपके लिए न्यूज़ भी लेके आया, तो जो CII है वो लेके आई थी FPI, योर फिस्कल परफॉर्मेंस इंडेक्स टू असेस द क्वालिटी ऑफ द बजट प्रेजेंटेड बाय द स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो मेरा आंसर तो यहाँ हो जाएगा, नेम जो है इंडेक्स का दैट इज फिस्कल परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो FPI लेके आया है CII, और ये कब लेके आया है, ये लेके आया है इन द ईयर 2019। तो पढ़ते हैं इसको। द कंपोजिट फिस्कल परफॉर्मेंस इंडेक्स डेवलप्ड बाय द CII इज एन इनोवेटिव टूल यूजिंग मल्टीपल इंडिकेटर्स टू एग्जामिन द क्वालिटी। तो वही बात बोल रहा है ऊपर वाली, कि जो स्टेट और सेंटर का बजट होता है उसको रेट करने के लिए या उसके परफॉर्मेंस को रेट करने के लिए ये लोगों ने FPI डेवलप करा है CII ने। तो ये जो डेवलप हुआ है, दिस हैज बीन डेवलप्ड यूजिंग द UNDP ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मेथडोलॉजी। तो UNDP HDI की मेथडोलॉजी से इसको डेवलप करा जाए, और उसमें 6 कंपोनेंट है। क्या 6 कंपोनेंट है, क्वालिटी ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्वालिटी ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्वालिटी ऑफ रेवेन्यू, डिग्री ऑफ फिस्कल प्रूडेंस, और इसमें दो है फिस्कल डेफिसिट टू GDP, रेवेन्यू डेफिसिट टू GDP, देन योर डेट इंडेक्स। तो ये 6 इंडिकेटर्स हैं जिसपे ये CII जो है FPI इंडेक्स लेके आया है। आपको जो पता होना चाहिए वो ये पता होना चाहिए, ये फिस्कल परफॉर्मेंस इंडेक्स है, दिस इज टू असेस द क्वालिटी ऑफ स्टेट एंड सेंटर का जो बजट है उसके लिए। बस आपको इतना पता होना जरूरी है, जिसको पढ़ना है स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लिए। 6 कंपोनेंट्स आप एक बार नजर मार सकते हैं, मुझे नहीं लगता इतना पूछेगा डेप्थ में, लेकिन बस आपको FPI पता होना चाहिए कि ये क्यों लाया गया। तो जिसको स्क्रीनशॉट लेना है प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूँ इसको रिमूव करके, ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट आर द 5 टाइप्स ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ऑन विच नो GST इज चार्ज्ड। तो आपको जैसे पता होगा जो 5 तरीके के पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उस पर अभी तक कोई GST चार्ज नहीं होता, अभी भी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो वो कौन से 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, तो ये 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं आपका डीजल है, पेट्रोल है, नेचुरल गैस है, क्रूड ऑयल है, एंड योर ATF दैट इज योर एविएशन टर्बाइन फ्यूल। और आपको पता होगा जो अल्कोहल है उस पर अभी भी स्टेट एक्साइज लग रहा है। तो जो मैंने पूछे हैं कौन से 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, तो वो है डीजल, पेट्रोल, नेचुरल गैस, क्रूड और एविएशन टर्बाइन फ्यूल, जिसपे अभी भी नोटिफाई नहीं हुआ है कि इन पे GST लगेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, GST एक्ट में गवर्नमेंट को पावर दी गई है कि वो आने वाले टाइम में नोटिफिकेशन के जरिए इन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे GST लगा सकते हैं,
इसलिए जब न्यूज़ में मांग होती है कि सेंटर से बोलिए जीएसटी लगाइए, वो इसलिए होती है क्योंकि सेंटर के पास पावर है टू नोटिफाई कि कब वो इन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे जीएसटी लगाएगी। तो अभी के लिए जो आंसर है, जो पांच हैं फ्यूल्स हैं, अब आप बोलेंगे अल्कोहल क्यों नहीं दिया, क्योंकि दिस इज नॉट अ फ्यूल, मैंने फ्यूल की बात की है या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बात करी है, तो वो होंगे डीजल, पेट्रोल, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल एंड योर एविएशन टर्बाइन फ्यूल। तो ये पांच पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं जिन पे अभी जीएसटी नहीं लगता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैनेजमेंट से है। एज पर मैकग्रेगर्स थ्योरी एक्स मैनेजर्स आर डैश एंड थ्योरी वाई से मैनेजर्स क्या होता है? तो जैसे आपको पता होगा मैकग्रेगर्स की थ्योरी एक्स एंड वाई है, जिसमें बोलता है कि थ्योरी एक्स के मैनेजर हैं बहुत ऑटोक्रेटिक हैं, यानी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, अपनी चलाते हैं और बोलते हैं कि उनको एम्प्लॉयज़ पे कोई भरोसा नहीं कि एम्प्लॉयज़ काम करेंगे, ना उनको लगता है कि एम्प्लॉयज़ कमिटेड टू देयर वर्क हैं, इसलिए वो पनिशमेंट को एज अ बेस ऑफ मोटिवेशन मानते हैं और उनसे काम करवाते हैं। तो जो लो लेवल के काम हो गए, जनरली जब आप थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें बोला जाता है जो असेंबली लाइन के काम हो गए। असेंबली लाइन आपको बताओगी हेनरी फोर्ड ने अपने फोर्ड की कंपनी में शुरू करी थी, जहाँ पे अगर आप देखें तो लाइन में कंपोनेंट्स लगे रहते हैं, तो एक लाइन से काम होता रहता है। तो वैसे लो लेवल के काम थ्योरी एक्स के मैनेजर बहुत ऑटोक्रेटिक होते हैं, उनको एम्प्लॉयज पे कोई भरोसा नहीं रहता, डांट लगाते रहते हैं, तो वो होते हैं ऑटोक्रेटिक। थ्योरी वाई के मैनेजर्स दे बिलीव इन रिलेशनशिप बिल्डिंग एंड दोज मैनेजर्स आर डेमोक्रेटिक। ठीक है, ये जो मैनेजर्स होते हैं रिलेशनशिप बिल्डिंग में होते हैं। और ये कब अप्लाई करा जाता है? तब अप्लाई करा जाता है कि जब जो जॉब है दैट इज हाईली प्रोफेशनल से काम करा जाए और वो एक्सपर्ट का काम हो। रिलेशनशिप बिल्डिंग होती है, वो लोग मानते हैं कि जो एम्प्लॉयज हैं बिल्कुल कमिटेड हैं, काम करेंगे, और इसलिए रिलेशनशिप बिल्डिंग पे ध्यान दिया जाता है। ठीक है, तो जो थ्योरी एक्स के मैनेजर्स हैं वो डांट लगाने वाले ऑटोक्रेटिक, थ्योरी वाई मैनेजर्स रिलेशनशिप बनाने वाले डेमोक्रेटिक। तो ये क्वेश्चन था मैनेजमेंट के ऊपर। अब बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ आज के, दैट इज योर 17 क्वेश्चन। व्हाट वाज द नेम ऑफ द सर्वे? अगेन ये मैनेजमेंट से क्वेश्चन है। व्हाट वाज द नेम ऑफ द सर्वे डेवलप्ड, ये स्पेलिंग गलत है, नेम ऑफ द सर्वे डेवलप्ड होना चाहिए यहाँ पे, डेवलप्ड अंडर फिडलर कंटिजेंसी थ्योरी। तो आपको पता होगा ये लीडरशिप की है, फिडलर की कंटिजेंसी थ्योरी। ठीक है, इसमें दो चीजों के बारे में बात की थी, एक तो लीडरशिप स्टाइल के बारे में और एक बात की गई थी सिचुएशन थ्योरी के बारे में। ठीक है, सिचुएशन दैट गिव कंट्रोल टू लीडर। अब जो मैंने आपसे पूछा है कि जो फिडलर की कंटिजेंसी थ्योरी है, इसमें जो सर्वे डेवलप किया गया था वो लीडरशिप स्टाइल को मेजर करने के लिए किया गया था, तो जो उस सर्वे का नाम था दैट वॉज LPC, योर लीस्ट प्रेफर्ड को वर्कर। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर है। तो ये था सर्वे का नाम, लीस्ट प्रेफर्ड को वर्कर, जो डेवलप किया था फील्डलर ने। अब इसमें 16 कैटेगरीज थी जिनमें रेटिंग देनी थी, और इसमें जो रेटिंग आती है, अगर हाई रेटिंग आती है, आपको हाई LPC में रेटिंग मिलती है, तो हम बोलते हैं लीडरशिप कैसी है, दैट इज रिलेशनशिप ओरिएंटेड। ठीक है, और अगर स्कोर लो आता है, कम आता है, तो हम बोलते हैं टास्क ओरिएंटेड लीडर है, मतलब वो काम पे ज्यादा ध्यान देता है, रिलेशनशिप बिल्डिंग पे नहीं। अगर हाई LPC आता है तो वो रिलेशनशिप बिल्डिंग पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है। ठीक है, तो लास्ट जब मैंने आपसे टेस्ट लिया था तो हमने वहाँ पे ग्रिड थ्योरी पढ़ी थी, मैनेजरियल ग्रिड थ्योरी, उसमें भी उसने यही बोला था जो कोऑर्डिनेट्स थे कि अगर रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा हम लोग उसको देते हैं तो फिर काम पे ध्यान नहीं जाता, मीडियोकर काम प्रोड्यूस होता है, और जब हम टास्क पे ही ध्यान देते रहते हैं तो उसमें आपस में एक लड़ाई हो जाती है कि आपको लगता है कि आपका बॉस आप पे ध्यान ही नहीं दे रहा, तो उसमें भी काम में ज़्यादा दिन टिकते नहीं है लोग, और फिर पनिशमेंट को यूज़ करा जाता है उनको मोटिवेट करने के लिए। अब हम सिचुएशंस की बात कर लेते हैं। तो इसमें तीन सिचुएशंस की बात है। फर्स्ट इज योर लीडर मेंबर रिलेशनशिप। अब इस लीडर मेंबर रिलेशनशिप में क्या बोला गया है? तो फिडलर ने जो सिचुएशन डिफाइन करी है तो उसमें सबसे पहले है लीडर मेंबर रिलेशनशिप।
इसमें बोला गया है, इसमें बताया जाएगा कि डिग्री जिसमें जो मेंबर्स हैं आपके वो कितना लीडर को रिस्पेक्ट करते हैं या ट्रस्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें बताते हैं डिग्री जिसमें मेंबर्स अपने लीडर्स को कितना रिस्पेक्ट या ट्रस्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका टास्क का स्ट्रक्चर, यानी जो काम है दैट इज स्ट्रक्चर्ड या उसका कोई प्रोसीजर है डिफाइंड या वो अनस्ट्रक्चर्ड काम है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर्ड काम है या अनस्ट्रक्चर्ड काम है। नेक्स्ट आ जाता है आपका पोजिशनल पावर। पोजिशनल पावर क्या होगी, जिसमें बताया गया है कि लीडर के पास कितनी अथॉरिटी है या इन्फ्लुएंस है कि वो किसी बंदे को हायर कर पाए, किसी बंदे को प्रमोट करवा पाए या किसी बंदे को फायर या निकाल पाए। तो ये सिचुएशन तीन दी थी जिसमें कंट्रोल बताया गया था कि लीडर का कंट्रोल कैसा होगा, ठीक है। तो ये तीन सिचुएशन है लीडर लीडर मेंबर रिलेशनशिप, कि मेंबर्स कितने लीडर को रिस्पेक्ट या ट्रस्ट देते हैं, काम कैसा है स्ट्रक्चर्ड काम है जिसमें एक एक स्ट्रक्चर से जाना है या अनस्ट्रक्चर्ड काम है, तो उस केस में क्या लीडर की पकड़ होगी अपने मेंबर्स पे, कितना वो इन्फ्लुएंस कर पाएंगे। लास्ट इज पोजिशनल पावर, जिसमें लीडर के पास कितनी अथॉरिटी है कि वो किसी बंदे को हायर कर ले, किसी बंदे की प्रमोशन करवा पाए या किसी बंदे को फायर कर ले। जो मेरा क्वेश्चन था वो ये था कि फीडलर ने इसके लिए रेटिंग देने के लिए ये लीस्ट प्रेफर्ड कोवर्कर का एक सर्वे डिजाइन किया था, जिसमें 16 कैटेगरीज या 16 एडजेक्टिव्स बोले थे, जिसमें अगर आपका हाई स्कोर आ जाता है तो योर लीडर इज योर रिलेशनशिप ओरिएंटेड, और अगर लो स्कोर आ जाता है तो लीडर आपका टास्क ओरिएंटेड रहता है। तो लीस्ट प्रेफर्ड कोवर्कर इज एसोसिएटेड विद योर फीडलर कंटिजेंसी थ्योरी, ठीक है। तो ये थे फ्रेंड्स मेरे आज के 17 क्वेश्चंस। एज ऑलवेज अपना फीडबैक या कमेंट आपको जो लगता है प्लीज कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। आपके कोई डाउट्स वेलकम है, प्लीज मेरे को बताइए, मैं वीडियो लेके आऊँगा। और फर्दर अगर आपके कुछ भी आपको पढ़ना है एक्स्ट्रा, आपके जो टॉपिक्स हैं जहाँ डाउट्स आ रहे हैं आपको, तो जैसे मैंने बताया हुआ है अकाउंट्स में आपका हो गया, फाइनेंस में, मैनेजमेंट में, इकोनॉमिक्स में, कॉस्टिंग में, लॉ में, आपको कहीं पे भी दिक्कत आ रही है मेरे को आप बताइए, मैं वीडियो लेके आऊँगा। तो ये था मेरा टेस्ट नंबर 3, जिसमें हमने 17 क्वेश्चंस डिस्कस करें। होपफुली आपको यूजफुल लगे होंगे। तो ऐसे ही नेक्स्ट सेशन में मैं अराउंड 15-20 क्वेश्चंस फिर लेके आऊँगा। तो 35 मैंने 2 वीडियो में पहले कवर करे हैं ब्रेक कर करके, 17 इसमें हो गए। तो नेक्स्ट में भी मैं कोशिश करूंगा 18-20 क्वेश्चंस ले आऊँ। तो ऐसे आपके 35-35 करके 2 टेस्ट हो जाएंगे, तो अराउंड 70 क्वेश्चंस विद कंसेप्ट हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और मैंने आपके लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो क्लासिकल थ्योरी है वो पूरी समझाते हुए विद न्यूमेरिकल्स डाली है, तो प्लीज़ आप वो भी देख लीजिए, तो आपका वो मैक्रो इकोनॉमिक्स भी रिवाइज होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो थैंक यू सो मच।